प्रदीप, शिमला में क्या कुछ नजारा है, हिमाचल में सत्ता की लहर, 38 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 38 सीटों पर। बिल्कुल, देखिए जो रुझान है वो अब लगभग स्पष्ट होने लगे हैं कि हिमाचल में अब कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, क्योंकि 38 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है। तो ऐसे में अब जश्न का दौर शुरू होने वाला है और इस वक्त हम हॉली लॉज में हैं। यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह जो युवा विधायक है शिमला ग्रामीण से, यहाँ पर कैंडिडेट है। आप देख सकते हैं कि लड्डू जो है बंटने शुरू हो गए हैं। एक तो शिमला ग्रामीण से इनकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो गई है और जो है आपके पास भी लड्डू आए हैं, खा रहे हैं, जीत का खड़े हुए हैं कांग्रेस के नेता। विक्रमादित्य सिंह जीत रहे हैं और ये जो है और लोगों से बातचीत करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कैसी लग रही है ये जीत, आपको लग रहा है कांग्रेस आ रही है सत्ता में? आ गई है, बिल्कुल सत्ता में आ गई है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आ रही है, दौड़ के आ रही है, बिल्कुल सरकार बन रही है, कांग्रेस सरकार बन रही है। क्या लगता है कि भाजपा क्यों हारी? भाजपा अपनी कथनियों से हारी है, महंगाई, बेरोजगारी, झूठ, ये सारा कारण भाजपा को हारने का कारण है। दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना मेन कारण है। आप हॉली लॉज के समर्थक लग रहे हैं, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री फिर से यहाँ से बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, जिन्होंने पूरी स्टेट में मेहनत की है, हर कैंडिडेट को जिताने की कोशिश की है, वो उनका पूरा हक बनता है मुख्यमंत्री के पद पे। बिल्कुल, देखिए ये आप देख सकते हैं तस्वीर जो है यहाँ पर, हालांकि विक्रमादित्य सिंह भी यहाँ पर और मीडिया बाइट जो है अभी वो दे रहे हैं। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक हैं और अब फिर से इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी थे। हम कह सकते हैं कि एक बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पर जीत जो है वो ये हासिल यहाँ पर इन्होंने की है। हालांकि अभी रिजल्ट अनाउंस होना बाकी है, लेकिन जीत जो है वो हो चुकी है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब जश्न जो है, जोश जो है वो यहाँ काफी है। आप देख सकते हैं कि और भी लोग हैं। आप कहाँ से हैं और अब लग रहा है कि सरकार बन चुकी है, 8 सीटों तक लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारी सरकार बनती हुई दिख रही है। ये इलेक्शन हमने हिमाचलियत के मुद्दे पर लड़ा था और हिमाचलियत को लोगों ने पसंद किया है और हिंदुत्व की हार हुई है, हिमाचलियत की जीत। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के 3 दिन जिसमें राजिम, बिंद्रानगढ़ और सराईपाली 3 विधानसभा कंप्लीट किया और सभी जगह शासकीय योजनाओं के प्रति लोगों में उत्साह भी है और उसका लाभ लोग ले रहे हैं। धान खरीदी भी लगातार चल रहा है और निर्बाध गति से चल रहा है। कहीं कोई शिकायत बारदाने की, तौलाई की या धान उठाव की या पेमेंट की कोई शिकायत नहीं है, सब बढ़िया से संचालित हो रहा है। मैं समझता हूँ प्रदेश में इस साल धान खरीदी का, वैसे तो हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, इस साल भी रिकॉर्ड टूटेगा, तो काफ़ी अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है। पैरा धान के लिए भी मैंने अपील की है, तो अधिकांश किसान हैं वो। प्रदीप ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर गुरमीत जी जुड़े हुए हैं और हिमाचल का ये रिजल्ट, 27 सीटों पर बीजेपी, 38 सीटों पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 00 और 3 पर निर्दलीय। प्रदीप नासिर, देखिए नासिर, देखिए कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? विक्रमादित्य सिंह तो जीते लेकिन कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है और देश में जहां कांग्रेस कई राज्यों में जो है उनकी सत्ता जा रही थी, अब फिर से वापसी हो रही है, क्या एक हिमाचल से ये आशा की किरण खिली है? देखिए ये केवल हिमाचल प्रदेश की जीत नहीं है, अभी तो पूरे देश में जो है एक संकेत जा चुका है कि लोग जो है मोदी सरकार से असहमत है। आप हिमाचल प्रदेश में महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा ले लीजिए, कर्मचारियों ने साथ दिया है, युवा वर्ग ने साथ दिया है, महिलाओं ने साथ दिया है, तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक सरकार प्रदेश की जनता को दे रही है और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी को एक करारा झटका है। बीजेपी को ये एक करारा झटका है, आप क्या कहना चाहते हैं इस जीत पर? हम तो कहेंगे ये ग्रामीण की जीत है और जैसा ही ग्रामीण के सभी लोगों ने आशाएं जताई थी कि हम 15,000 प्लस जाएंगे, तो कुछ बीजेपी के लोग अंधभगत बोलते थे कि हम बीजेपी जीतेगी और उनको हमने आज करारा जवाब दे दिया है।